दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्री हिंदी टीम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े हनीमून ट्रिप के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसका नाम दुनिया के सबसे अच्छे ब्रिजों में भी शामिल है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस देश के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जिसे सुनकर आपका दिमाग खिल जाएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि नए से नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मॉरिशस एक खूबसूरत हिंदू देश है और भारतीयों को जाने के लिए यहां पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों इसका पूरा क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देश दुनिया के सबसे बड़े देशों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों जनसंख्या के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े लिस्ट में 158वें नंबर पे है। दोस्तों अगर धर्मों की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या का 49% हिंदू और 33% ईसाई और 17% मुस्लिम धर्म को लोग मानते हैं। दोस्तों यहाँ की आबादी से ज्यादा लोग इस देश में हर साल घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों यह देश कुछ आइलैंडों से मिलकर बना है। दोस्तों इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। दोस्तों यह वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं। दोस्तों हर एक देश के पास अपनी एक आर्मी होती है लेकिन मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके पास कोई थल सेना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है वही आर्मी का भी काम करती है। दोस्तों इस देश में आप अपनी फैमिली के साथ शिप पर बैठकर भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों यह हिंद महासागर के गोद में बसे के कारण यह दूर से भी देखने पे खूबसूरत लगता है। दोस्तों इस देश की करेंसी रूपी है जो भारत की करेंसी से दो गुना महंगा है। दोस्तों प्राकृतिक ने इसे इतना खूबसूरत बना दिया है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दोस्तों दुनिया में मॉरिशस से रोमांटिक जगह और कोई भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर लोग काफी लंबी यात्रा करना पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हर जगह आपको भारत की झलक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर गन्ने की खेती काफी ज्यादा होती है और यहाँ की मिट्टी काली सबसे ज्यादा पाई जाती है जिसमें ज्यादातर लोग गन्ने की खेती करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कुर्सी पर बैठ के ब्रिजों के किनारे खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप मछलियाँ पकड़ने का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ के ब्रिजों के पानी काफी खूबसूरत होते हैं जिसकी खूबसूरती का आप मजा ले सकते हैं। और दोस्तों ब्रिजों के नीले रंग के पानी में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।